दखल न्यूज पर मजदूर दंपति की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने का असर देखने को मिला। सिवनी प्रशासन के साथ कई सामाजिक संगठन मजदूरों की सहायता के लिए आगे आए। प्रशासन ने वाहन के जरिए प्रसूता और नवजात को उनके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की। इस दौरान मजदूर दंपति और नवजात शिशु की पुष्प वर्षा कर विदाई की गई। मुंबई से प्रतापगढ़ के लिए पैदल निकले मजदूर दंपति की खबर को दखल न्यूज ने प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके बाद इसका असर देखने को मिला है और प्रशासन के साथ कई सामाजिक संगठनों ने मजदूर दंपति की सहायता की। गौरतलब है कि 500 किलोमीटर पैदल चलकर आई गर्भवती महिला ने असहनीय दर्द के बाद लखनादौन में बच्चे को जन्म दिया था। दंपति ने बताया था कि मुंबई में काम बंद होने और पैसे ना होने की वजह से वे पैदल ही प्रतापगढ़ के लिए निकल पड़े थे। दखल पर खबर दिखाए जाने के बाद नगर के युवा विनय नेमा, पप्पू यादव, सदाराम बघेल और तुलसी कोस्टा ने गरीब दंपति की आर्थिक सहायता की। लखनादौन थाने के कोतवाल महादेव नागोतिया ने खबर लगते ही अस्पताल पहुंचकर मजदूर परिवार को फल, भोजन, कपड़े और नगद सहायता की और दंपति को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ तक पहुंचने के लिए प्रशासनिक अनुमति के साथ वाहन के जरिए रवाना किया। नगर के समाज सेवियों और पुलिस विभाग ने पुष्पहारों के साथ वाहन चालक, मजदूर दंपति और नवजात का अभिनंदन कर विदाई दी। नवजात के पिता सूर्यमणि ने कोतवाल, नगौतिया, मीडिया और समाज सेवियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा। मीडिया के माध्यम से मुझे तत्काल जानकारी मिली कि कुछ मजदूर पैदल आ रहे हैं, उसमें एक गर्भवती महिला है और जिसको डिलीवरी होना है, तो सूचना पर 108 के माध्यम से तत्काल यहाँ भर्ती कराया गया था और इसके उपचार की समुचित व्यवस्था की गई। यहाँ के डॉक्टर एवं स्टाफ ने पूरी लगन से इसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो मैं यहाँ के डॉक्टर एवं नर्सेस जो भी इसकी सेवा में थे उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दो दिन यहाँ रहने के बाद में माननीय SDM महोदय के माध्यम से आदरणीय कलेक्टर साहब ने इनको घर जाने की अनुमति भी प्रदान कर दी, तो हम थाना परिवार के माध्यम से इनको वाहन, खाने पीने, राशन, कपड़े की व्यवस्था करके आज इनके गंतव्य स्थान इलाहाबाद के लिए रवाना कर रहे हैं। मुंबई से पैदल आ रहे थे सर, और इधर आते आते हमारे औरत को डिलीवरी था, तो इधर तकलीफ हो गया, तो इधर का पुलिस और पत्रकार लोग सर ये सब हमारा बहुत बहुत ज़्यादा मदद किए सर, इनका इनका शुक्रगुजार हूँ। और कुछ पैसे भी दिए दवा खाने के लिए और कपड़े लगता सब कुछ दिए सर। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।